हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्म ज्ञान। आज हम स्टार्ट करेंगे टी फार्म सेकेंड ईयर का न्यू सब्जेक्ट हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हॉस्पिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल एंड फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, व्हाट इज हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इज ए ऑर्गेनाइजेशन विच एम टू डायग्नोस, ट्रीट, प्रिवेंट, केयर and provide therapy to sick and injured patient. Hospital is maintained by physician, pharmacist, nursing staff, ward boy and other medical staff. इसमें बताया गया है कि हॉस्पिटल हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका उद्देश्य पेशेंट की बीमारी को डायग्नोज करना और उसको मेडिकल ट्रीटमेंट करना होता है। हॉस्पिटल को मेनली फिजिशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय और अन्य मेडिकल स्टाफ द्वारा मेंटेन किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को वेरियस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। इसमें फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें हॉस्पिटल को थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। मेन ऑब्जेक्टिव इज टीचिंग बेस्ड ऑन रिसर्च, मीन्स इसमें हमारे हॉस्पिटल का मेन उद्देश्य रिसर्च के ऊपर टीचिंग करना होता है। इसमें सेकंड आता है जनरल हॉस्पिटल। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल हॉस्पिटल इज टू प्रोवाइड मेडिकल केयर टू पेशेंट एंड सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टीचिंग। इसमें बताया गया है कि जनरल हॉस्पिटल का मेन उद्देश्य पेशेंट को मेडिकल केयर प्रोवाइड करना होता है और इसी के साथ जनरल हॉस्पिटल में टीचिंग भी की जाती है। अब इसमें थर्ड आता है स्पेशल हॉस्पिटल। इट प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर ए पर्टिकुलर ऑर्गन डिसीज ऑफ अ बॉडी। इसमें बताया गया है कि स्पेशल हॉस्पिटल पर्टिकुलर ऑर्गन्स की डिसीज को ट्रीट करते हैं, जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल होते हैं, डेंटल हॉस्पिटल होते हैं। अब इसमें नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें हमारा फर्स्ट टाइप आता है जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल लो बजट हॉस्पिटल होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा ऑपरेट किया जाता है। इसमें सेकंड आता है सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल किसी अथॉरिटी और गवर्नमेंट दोनों ही ऑपरेट करते हैं। इसमें थर्ड आता है प्राइवेट हॉस्पिटल। यह हॉस्पिटल किसी पर्टिकुलर पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन का होता है। अब इसमें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। हॉस्पिटल को सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बेसिस पर वेरियस टाइप में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला आता है एलोपैथी हॉस्पिटल, सेकंड है होम्योपैथिक हॉस्पिटल, थर्ड है यूनानी हॉस्पिटल एंड फोर्थ है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल। अब हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट। इसमें फर्स्ट आता है एलाइट हॉस्पिटल। एलाइट हॉस्पिटल हमारे फुल्ली एडवांस हॉस्पिटल होते हैं और एलाइट हॉस्पिटल का पर डे चार्ज वेरी कॉस्टली होता है। इसमें नेक्स्ट आता है बजट हॉस्पिटल। यह हमारे लो बजट हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कि सिविल हॉस्पिटल। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल। अब आता है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। इसमें हमारा फर्स्ट फंक्शन आता है टू प्रोवाइड ए गुड मेडिकल सर्विस टू पेशेंट, मींस पेशेंट को अच्छी मेडिकल सर्विस दी जाए जिससे कि पेशेंट जल्द ही ठीक हो सके। इसमें हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है टू प्रमोट रिसर्च। हॉस्पिटल हमारी मेडिकल रिसर्च में भी हेल्प करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है टू टेक केयर ऑफ पेशेंट, मींस हॉस्पिटल पेशेंट की देखभाल भी करते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है टू ट्रेंड नर्स, फिजिशियन एंड अदर मेडिकल स्टाफ, मींस हॉस्पिटल नर्स, फिजिशियंस एंड अदर मेडिकल स्टाफ को ट्रेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉस्पिटल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन हेल्थ केयर सर्विस, मींस
हॉस्पिटल हमारा हेल्थ केयर सर्विस में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये था हमारा फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल।